पूरा वाला जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद, स्वागत है आपका। दिन की शुरुआत में अभी तो 40 मिनट हुए हैं केवल, पोस्टल बैलेट खुले, आपके लिए अच्छी खबर दिखाई दे रही है तीनों राज्यों से, खासकर त्रिपुरा। 39 सीटों पर आपका अलायंस लीड कर रहा है इस वक्त। ये चाचा भी बन गए, इनको मुबारक दे दीजिए। जी हाँ, बहुत मुबारकबाद। नहीं, मैं कुछ देर बाद फिर से आपके चैनल पर आकर मुबारकबाद भी लूंगा, पर देखिए सौरभ जी, आपके स्क्रीन पर एक डिवाइन व्यक्ति, एक दिव्य व्यक्ति है बाबा रामदेव। और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी डिवाइन है। डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही हमारी 2014 में सरकार बनी तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को नज़र में रखते हुए कनेक्टिविटी, सोशल वेलफेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वहाँ पर किस प्रकार से निवेश करना, उसे ग्रोथ इंजन बनाना, पीस, प्रॉस्पेरिटी और महिला, इन चीज़ों पर जो फोकस किया है उसका नतीजा आपको पहले रोल मॉडल के रूप में असम में दिखा और हेमंत बिस्व शर्मा उसको प्रतिबिंबित करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में लोगों ने विकास को चखा और उसी विकास को चखने के बाद हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है, चाहे सरकारें हमारी मिलीजुली हो या स्वयं से हम बनाएं, लोग चाहते हैं कि जैसे एक बार पतंजलि का प्रोडक्ट ले लिया और उससे आपकी सेहत बेहतर होती है, वैसे बीजेपी को भी लोग बार बार अपनाना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से इग्नोर किया गया नॉर्थ ईस्ट को और केवल कांग्रेस पार्टी ने वहां पर राजनीति की, तो लोगों को बांटने की राजनीति, आज वहां पर समग्र विकास मुमकिन हुआ है। आप एक उदाहरण देता हूं, मिलिटेंसी 74% कम हुई है वहां पर। त्रिपुरा में जिस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर पर निवेश किया गया है, जिस प्रकार से वहाँ की रीजनल डाइवर्सिटी को महत्वता दी गई है, जिस प्रकार से ट्राइबल के लिए हमने निरंतर प्रयास किया और आज तो देश की महामहिम एक आदिवासी समाज से आती है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जताया है। और इसीलिए मैं इसको डिवाइन विक्ट्री कहता हूँ। स्क्रीन भी डिवाइन है और नतीजे भी डिवाइन है। देखिए, आप जिसे कह रहे हैं ना शहजाद, कि वहां लोगों ने आपके डेवलपमेंट और विकास को चखा है। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वहां पर शराब और पैसे के नशे को आपने चखा है लोगों को, कुछ मिल रहा है तो ये उसकी वजह से है। देखिए अजय जी का मैं क्या कहूं, अब ये त्रिपुरा में गले मिलते हैं, केरला में एक दूसरे से लड़ते हैं, ऐसे जो मौका परस्त और जो इस प्रकार से अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इनको लोग सीरियसली नहीं लेते। जैसे डोडो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट की डोडो बन चुकी है। मैं इनको हमेशा कहता हूँ ये डोडो बनते जा रहे हैं, हर जगह से इनका राजनीतिक जो अस्तित्व है वो विलुप्त होता जा रहा है। अब ये भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, क्या असर है इनके भारत जोड़ो का? और तृणमूल कांग्रेस भी जिस प्रकार से वहां पर हाइप ज्यादा, डिलीवरी कम, तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों राजनीतिक पृष्ठभूमि से नॉर्थ ईस्ट की वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए तो आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं कि क्या वादे होते हैं और क्या डिलीवर किए जाते हैं। शहजाद, स्वामी जी देखिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति या पार्टी के प्रति या योग के प्रति भी लोगों का रुझान इसलिए है क्योंकि वहां से डिलीवरी हुई, वहां से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला। और ठीक वैसे ही राजनीति में भी है, जिस पार्टी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां से ज्यादा डिलीवरी मिली वहीं पर अपने आप रुझान बढ़ता है लोगों का। मीनाक्षी जी, सबसे बड़ा सत्य है प्रत्यक्ष। इसलिए मैंने कहा वैचारिक धरातल पर किसी की जो भी आइडियोलॉजी, में किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैचारिक धरातल आपका जो भी हो, धरातल पर, जमीन पर एग्जीक्यूशन क्या है, आपके नंबर्स क्या हैं, आप कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं। ये लोकतंत्र था या जब प्रजातंत्र भी था तो जो जीतने वाला है, विजय के पीछे दुनिया खड़ी है। आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे जी नॉर्थ ईस्ट खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरा देश खड़ा हो जाता है। अभी अलग अलग प्रकार के नैरेटिव्स देश में खड़े होते हैं, कभी कॉरपोरेट्स के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया जाता है, कभी मजहबी उन्माद के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया जाता है, कभी उसके उनके सनातनी होने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, कभी वो मंदिर में जाते हैं, कभी गंगा जी में स्नान करते हैं, कहाँ काशी में कॉरिडोर अलग है, वहाँ पर महाकाल और जो है हमारे हिमालय में, यहाँ उत्तराखंड में जब वो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों की शोभा बढ़ाते हैं,
सांस्कृतिक समृद्धि की बात करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाने वाले जो कुछ भी कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने विरोधियों से 100 कदम आगे होते हैं और वो जीतते हैं। बात यह है कि खाली आइडियोलॉजी तक हम सीमित रह जाएं, आरोप प्रत्यारोप तो देखो राजनीति में लगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं पता वहाँ शराब बिकी कि बटी कि नहीं बटी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएमओ में शराब और मांस दोनों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। और जब से मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है वो शुद्ध शाकाहारी, मैंने वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती। तो एक एक आचरण जो है ना, व्यवहारिकता, एग्जीक्यूशन, प्रत्यक्ष, देखो व्यवहार सत्य है जीवन का। स्वामी जी शाकाहार वाली बात तो मेरे ख्याल से रहने दें, उत्तर पूर्व में बीजेपी भी ज्यादा नहीं कर रही है इसकी। मुझे लगता है बीफ कहां मम्मी हो जाए और कहां माता हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।